Hello students, I hope you all are fine. So today we are going to start our chapter number 2 of class 10th, which is acid, bases and salt. So before starting this chapter, इस chapter को start करने से पहले acid, bases and salts के बारे में पढ़ने से पहले we should know कि acid क्या है, base क्या है, salt क्या है, कैसे इनका नाम acid कैसे रखा गया. तो सबसे पहले we will start with acid. Yes, acid came from a Latin word. Acid jo name hai, it was kept from a Latin word which is acidus. Fine. So acidus is a Latin word, or is acidus ka meaning kya hota hai? Sore. So, तो यहीं से हमारा एसिड वर्ड आया. जो एसिड है उनका नेचर क्या होता है, वी विल डिस्कस देयर पॉइंट्स वन बाय वन. ठीक है, तो एसिड क्या है, जिसका नेचर क्या है, सोर. नेचर भी, या फिर हम बोलेंगे टेस्ट. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सोर. अब सोर मीन्स एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब सोर वर्ड आया है तो सोर में एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे. अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो वी हैव लेमन. लेमन का टेस्ट कैसा होता है, इट इज सोर इन टेस्ट, खट्टा होता है, राइट. तो लेमन क्यों, इसका टेस्ट सोर क्यों है, बिकॉज इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है. दैट एसिड इज सिट्रिक एसिड. लेमन भी, और हमारा वी कैन से ऑरेंज ऑल्सो. ठीक है, लेमन और ऑरेंज दोनों में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, इस वजह से इनका टेस्ट सोर होता है. सिमिलरली कर्ड की अगर हम बात करें, मिल्क हमारा स्वीट इन टेस्ट, बट जैसे ही उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, सोर इन टेस्ट हो जाता है. तो इसीलिए लेमन हमारा सोर है, कर्ड सोर है. सिमिलरली टमाटो इज ऑल्सो सोर. टमाटो के अंदर भी वी हैव आर एसिड प्रेजेंट. वी कैन से टमाटो कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड. टमाटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड है. ऐसे ही जो भी चीज सोर है, दे ऑल कंटेन एसिड. एंड इसी वजह से एसिड का हम फर्स्ट पॉइंट कहीं भी पढ़ेंगे ना, तो यही पढ़ेंगे, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट. हमेशा पहला पॉइंट हमारा यही आता है. ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट, दैट दे आर सोर इन टेस्ट. दूसरा पॉइंट क्या है, एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करे, या किसी भी मेटल के ऊपर हम एसिड थ्रो कर देते हैं, तो उसको करोड कर देता है, करोजन कर देता है. दैट वी हैव स्टडीड इन आवर फर्स्ट चैप्टर कि करोजन कैसे होती है. पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, करोजन पढ़ा था, ईटिंग अवे ऑफ द मेटल, या फिर रिएक्शन ऑफ आवर मेटल विद और मॉइस्चर और एसिड. तो एसिड जो क्या करता है, उस मेटल को करोड कर देता है. तो एसिड आर सेकेंड पॉइंट, दे आर करोसिव इन नेचर. फिर थर्ड चीज जो हम स्टार्टिंग से हमें पढ़ाई जाती है कि अगर हम ब्लू लिटमस लेंगे, तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कौन करता है, ब्लू लिटमस इज चेंज्ड इनटू रेड कलर बाय एसिड्स. तो एसिड्स की प्रॉपर्टी है कि एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इन जनरल. और अगर हम नॉर्मल एग्जाम्पल की बात करें, हमारे एग्जाम्पल्स और अगर हम लें, ये तो हो गए हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ लैब. लैब में कौन से एसिड मिलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl. ठीक है, देन वी हैव नाइट्रिक एसिड. Many more acids are there. We will just discuss one or two with their names. Nitric acid. Then we have our sulfuric acid. उसके बाद आता है हमारा sulfuric acid, which is H2SO4. ठीक है, तो ये examples हो गए हमारे acid की properties हो गई. ठीक है, this is done with this. तो ये हो गया हमारा acid. So if you want to take a screenshot, you can take it. Now, after acids, we will discuss about bases. Acids के बाद हम पढ़ने वाले हैं bases के बारे में. Bases
जो वर्ड बेस है इट इज नॉट बेस पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो बेस का वर्ड इज नॉट डिराइव फ्रॉम एनी लैटिन वर्ड और सो आई होप यू वुड हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स। चलो अब बेस को बेस क्यों कहा गया, जो हमारे साइंटिस्ट थे दे ऑल डिड एक्सपेरिमेंट्स, एसिड्स इन्वेंट हो गए थे, तो एसिड्स को जब किसी भी चीज के साथ, किसी भी सब्सटेंस के साथ, किसी मेटल के साथ, एनीथिंग, किसी भी चीज के साथ अगर रिएक्ट किया गया तो हमारे पास सॉल्ट बना था प्लस वाटर। सॉल्ट इन द सेंस, सॉल्ट उसको क्यों, सॉल्ट मीन्स उसका कोई भी, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, ठीक है, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है, तो सॉल्ट बना था। तो वो क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट ने बोला कि एसिड्स को सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज की जरूरत थी, और जो भी चीज हम यूज करते थे वो इट एक्टेड एज अ बेस, दिस थिंग एक्टेड एज अ बेस, एक्टेड एज अ बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स की फॉर्मेशन के लिए जो भी हमने यहां पे यूज किया ना वो उसकी तरह एक बेस का काम किया, उसने उसकी हेल्प से हमने सॉल्ट बनाया, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिस, ठीक है, एसिड्स प्लस बेसिस गिव सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी रिएक्शन ये हो गई, यहां से आया बेस वर्ड कि व्हाई इज इट कॉल्ड बेस। देन हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेस की पहली प्रॉपर्टी दैट वी विल स्टडी एवरीवेयर इज दैट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। बिटर की एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या होगी, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो हमारे घर की एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है, इसमें हमारे बेसिस प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव आर टूथपेस्ट, टूथपेस्ट ऑल्सो कंटेन बेसिस, एंड मेनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर, प्लास्टिक इज ऑल्सो काइंड ऑफ बेस वी कैन से। सो दीज आर द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। उसमें सेकेंड प्रॉपर्टी है, जो हमारे बेस होते हैं दे आर स्लिपरी इन नेचर, स्लिपरी इन नेचर। अब स्लिपरी मीन्स जैसे अगर हम उसको हाथ में टच करेंगे इट विल गिव अ स्लिपरी, जैसे सोप है, सोप स्लिपरी होता है ना अगर वाटर के साथ एक्ट कर जाता है, तो मतलब वो इसी की प्रॉपर्टी है बेसिस की, दैट दे आर वी कैन से स्लिपरी इन नेचर। उसके बाद थर्ड हमारे पास मेन क्या रह गई, इसकी एग्जाम्पल ही रह गई जो डेली लाइफ में आता है, तो क्या क्या सॉरी लैब में आएगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH। फिर हमारे पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice यू कैन से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, ये सब क्या है हमारे बेसिस हैं। और बेसिस की यस वन मोर प्रॉपर्टी, ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी एक और, हाँ कि ये रेड लिटमस को, रेड लिटमस को अगर हम चेंज करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू ब्लू कलर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। आई थिंक इट शुड इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि एसिड और बेसिस में क्या फर्क है। एसिड हमारे सोर इन टेस्ट हैं, बेसिस बिटर इन टेस्ट हैं, ये याद रख सकते हो। वैसे यहां से ट्रिक याद कर लो, बेसिस जो है, बेसिस बी से है, ब्लू कलर हमेशा बेसिस का ब्लू कलर ही देते हैं वो, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन इट। तो ये हो गया रेड लिटमस से ब्लू, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अबाउट हमने जो ये लिटमस के बारे में पढ़ा, ये जो लिटमस है, लिटमस ने क्या बताया हमको कि एसिड है या फिर बेस है। तो ये जो भी सब्सटेंसेस दैट वी आर यूजिंग, सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू चेक द प्रॉपर्टी वेदर इट इज एन एसिड और अ बेस, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं हम, इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इंडिकेटर्स में पहला तो हमें पता ही है लिटमस है। लिटमस जो है सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, लिटमस क्या
कैन बी अ सॉल्यूशन, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और लिटमस का पेपर भी आते हैं, लिटमस पेपर को भी यूज कर सकते हैं, विच इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो पहला इंडिकेटर तो हमारा लिटमस पेपर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी चीज एक टर्मरिक, जो घर पे यूज करते हैं। टर्मरिक इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। अब टर्मरिक कैसे इंडिकेटर है, जो टर्मरिक है, हल्दी जिसे बोलते हैं, अब वो टर्मरिक का क्या रोल होता है, कैसे पता लगेगा एसिड है या बेस है, तो एक्सपेरिमेंट तो घर पे ही है। अगर कोई क्लोथ है, किसी के ऊपर टर्मरिक अगर गिर गई है या फिर एनी स्पॉट इज देयर ऑन द क्लॉथ, तो अगर हम उस टर्मरिक को वी वॉश इट विद द सोप एंड डिटर्जेंट, जब हम उसको वॉश करते हैं तो क्या होता है, वो टर्मरिक क्या होता है, येल्लो कलर का होता है ना, और हो क्या जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, टर्मरिक जो है वो येलो से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सोप से हो रहा है रेड, या टर्मरिक जो है सोप जब हम यूज करते हैं तो रेड, मतलब क्या यूज किया है, सोप क्या था, बेस था। सो इट मीन्स टर्मरिक इज एन इंडिकेटर फॉर बेस। तो बेस को अगर इंडिकेट करना है, हम टर्मरिक को यूज कर सकते हैं, तो यहां से हमें पता लग सकता है कि वो जो यूज किया है इज बेस और नॉट। अगर कलर रेड हो गया तो यस, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर हो गया तो वो बेस है, वरना नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे आता है थर्ड इंडिकेटर, विच इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो हमारा पहला इंडिकेटर हो गया लिटमस सॉल्यूशन, फिर हमारे पास आएगा हमारा विच इज टर्मरिक इंडिकेटर, सेकेंड आ गया हमारा, थर्ड आ गया मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अब मिथाइल इंडिकेटर जो है एसिड को अलग कलर चेंज कर देता है। जैसे ही हम एसिड में मिथाइल इंडिकेटर ऐड करेंगे या फिर बेस में मिथाइल इंडिकेटर ऐड करेंगे, तो एसिड का जो कलर है वो रेड हो जाता है, ठीक है, और बेस का कलर हो जाता है येल्लो। एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज इनटू रेड एंड बेस इनटू येल्लो, तो डिफरेंस आ गया। तो मीन्स इट इज एन इंडिकेटर विच इंडिकेट्स वेदर इट इज एसिड और नॉट। अगर यहां पर बात करें कि बेस ने रेड कर दिया, तो वही बात आ जाएगी, एसिड से नो चेंज, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इससे भी डिफरेंशिएट हो गए दोनों के बीच में। देन वी हैव फोर्थ इंडिकेटर विच इज फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के लिए एसिड और बेस को जब हम दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे, तो एसिड के केस में फिनोफ्थलीन का कलर जो है वो पिंक ही होता है, ये जो है इसका खुद का कलर पिंक होता है, और मिथाइल ऑरेंज इज समवेयर येलोइश ऑरेंज कलर होता है इसका। ठीक है, खुद का कलर भी इसका ऐसे ही है, येलोइश ऑरेंज कलर, और रेड भी कह सकते हो। तो यहां पे क्या है, फिनोफ्थलीन जो है एसिड के साथ पिंक था तो पिंक ही रहा, नो चेंजेस देयर। और बेस में क्या होगा, बेस ऐड करने से फिनोफ्थलीन के केस में इट विल बी बिकम कलरलेस। तो फिनोफ्थलीन के केस में क्या हुआ, इट बिकम्स कलरलेस। हेंस इट्स ये हमारे पास चार तरह के इंडिकेटर्स हो गए। यहां पे वी हैव फोर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, फाइन। सो अब इंडिकेटर्स के बाद ये तो हो गया नॉर्मल, हम इंडिकेट कर सकते हैं। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये बाय फिजिकल इंडिकेशन से हमने प्रूव कर दिया है ना, टेस्टिंग करने से। अब दूसरे तरह के इंडिकेटर्स वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस आफ्टर दिस, ओके। यस, आफ्टर दिस फिनोफ्थलीन इंडिकेटर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, वन मोर टाइप ऑफ इंडिकेटर विच इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दीज ऑल आर द इंडिकेटर्स विच हेल्प अस टू डिटेक्ट एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग, बाय चेकिंग द कलर चेंज, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये जो पढ़े हैं इंडिकेटर्स, उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच डिटेक्ट द स्मेल और ऑर्डर, ठीक है, जो ऑर्डर की हेल्प से हमें डिटेक्ट करके बताएंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है। दैट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। अभी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी हमारे पास दो तीन टाइप के हैं, वेनिला, अनियन
नॉर्मल चीजें यूज होती हैं, तो वेनिला अनियन एंड क्लोव, ये सब क्या होगा कि अब इनमें क्या चीजें, कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि हमारे पास ये एसिड है या बेस है? तो क्या होगा, एसिड के केस में एसिड्स जो हैं, एसिड्स विल नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल, मतलब तीनों के लिए यही है। अब इसका मतलब समझिए कि वेनिला, वेनिला में क्या है कि अगर हमने किसी एसिड में वेनिला एसेंस ऐड किया, वेनिला की स्मेल सबको पता है, तो एसिड्स के केस में भी वेनिला की स्मेल आएगी, बट बेसिस के केस में वो स्मेल नहीं आएगी, इट विल डिस्ट्रॉय द वेनिला एसेंस स्मेल, वेनिला की स्मेल नहीं आएगी। तो यहां से डिटेक्ट हो जाएगा कि एसिड है तो स्मेल आ रही है, बेस है तो नहीं आएगी। अनियन की स्मेल सबको पता है, ओडर सबको पता है, तो अनियन के केस में भी सेम है, एसिड के केस में अनियन की स्मेल वही रहेगी, पर बेस जैसे ही बेस में अनियन हम चेक करेंगे तो अनियन उस टाइम पे उसकी स्मेल चली जाएगी, सो इट विल डिस्ट्रॉय। सिमिलरली क्लोव जो होता है, क्लोव के केस में भी ऐसा ही है, एसिड्स के केस में स्मेल वैसा ही रहेगा, फ्रेग्रेंस जो भी है सेम रहेगी, बट फॉर बेसिस के केस में वो फ्रेग्रेंस जो होती है इट विल गेट चेंज। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दीज आर हमारे ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं जो हमने पढ़े हैं, कि चार टाइप के इंडिकेटर्स हमने पढ़े। लिटमस सॉल्यूशन का हमने पढ़ा, एसिड्स के केस में क्या होता है, रेड टू ब्लू, ठीक है, और बेसिस के केस में ब्लू टू ब्लू टू रेड, एंड बेसिस के केस में वी हैव रेड से ब्लू कलर, फाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हो गए। लिटमस येलो, टर्मरिक वाला येलो से रेड कर देगा बेस को, एसिड को नहीं करेगा। मिथाइल ऑरेंज वाला जो इंडिकेटर है वो एसिड में सेम कलर रहेगा उसका, लेकिन बेस के कलर को चेंज करके येलो कर देता है। फिनोक्सिलिन इंडिकेटर जो है पिंक कलर का होता है, एसिड सेम रहता है एसिड के केस में इंडिकेटर, लेकिन बेस का कलर को वो चेंज करके कलरलेस कर देता है। देन वी स्टडीड अबाउट द ऑल्फैक्टरी, जिसमें हम बाय डिटेक्टिंग देयर ऑडर से हम उनकी स्मेल से डिटेक्ट करते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। अगर हम ये तीनों इंडिकेटर्स वेनिला अनियन या क्लोव में से कोई भी यूज करेंगे और एसिड को डिटेक्ट करना होगा तो इनकी स्मेल आएगी, तीनों की आएगी ऑर्डर, बट बेसिस के केस में क्या होगा, इन तीनों की स्मेल विल नॉट अपियर, विल नॉट कम। तो यहां से हमें दोनों का डिफरेंस पता लग जाएगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, फाइन। सो दिस इज डन विद द इंडिकेटर्स। So let's move on to our next topic. Next topic हमारा क्या है, अब हमें ये पढ़ना है कि एसिड और बेसिस रिएक्ट किस तरीके से करते हैं। अब एसिड पता लग गया, बेस पता लग गया, अब इन दोनों को हमने रिएक्ट करना है अलग अलग चीजों से और फाइंड आउट करना है कि क्या क्या होता है। तो पहली चीज, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स, ठीक है, मेटल्स के साथ कैसे वो रिएक्ट करेंगे ये हमें स्टडी करना। तो मेटल्स क्या है हमारे पास, व्हाट आर मेटल्स, सोडियम मेटल ले लो, जिंक मेटल ले लो, पोटेशियम ले लो, ऑल दीज आर मेटल, मेटल सबको पता है मेटल क्या है। तो वो सब मेटल्स को हमने एसिड के साथ रिएक्ट करके फाइंड आउट करना है कि होता क्या है। जैसे विल राइट अ जनरल रिएक्शन कि मेटल को जब हम एसिड में जब हम मेटल को डालेंगे, ठीक है, कोई भी अगर सपोज वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, तो हमने क्या किया, ये हमारा बीकर है, ठीक है, बीकर में यहां पे हमने मेटल लिया, दिस मेटल इज रिएक्टेड विद एसिड, इसमें क्या डाला, एसिड डाला, ये हमारा मेटल प्रेजेंस है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, दैट वी हैव टू चेक। तो जब ये रिएक्ट करते हैं ना, तो यहां पे चेक करने के लिए एक आज मैं आपको पहले बता रही हूं, इसमें गैस रिलीज होती है, फाइन। तो गैस रिलीज होती है, वो कैसे पता लगता है कि गैस रिलीज हो रही है, तो उसके लिए हमने मेटल लिया जिंक सपोज और एसिड लिया H2SO4, ठीक है। तो अब इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, दिस जिंक मेटल एंड रिएक्ट्स, और हमने यहां से बाकी सारा बीकर तो क्लोज कर दिया, ठीक है, यहां से हम लोग ये गैस को डिटेक्ट करने वाले हैं, तो इस गैस को डिटेक्ट करने के लिए इसको कनेक्ट कर दिया फर्दर, और यहां पे हम लोग ने एक
कैंडल यूज किया, ठीक है, कैंडल को यूज किया। तो जैसे ही हम इस रिएक्शन को करते हैं ना, रिएक्शन को करने के बाद यहां से जो गैस रिलीज हो रही है ना, वो ऐसे पॉप साउंड लाइक अ क्रैकर बर्स्ट करता है ना, जैसे उस तरीके की यहाँ पे हमको नजर आएगी। तो ये रिएक्शन से क्या पता लगता है कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हुई है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है, इसको डिटेक्ट करने का मेथड ही यही है कि एक बर्निंग मैचस्टिक ले लो या फिर कैंडल ले लो और उसको चेक करो, यहाँ पे गैस को चेक करो कि वेदर इट गिव्स अ पॉप साउंड, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, तो हाइड्रोजन गैस हमारी होती है। तो यहाँ पे क्या है, मैटर को एसिड से रिएक्ट किया, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये हमारी जनरल रिएक्शन है। बट हुआ क्या है, यहाँ पे मेटल जिंक था, एसिड था H2SO4, तो हमारे पास सॉल्ट क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस साथ में क्या रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज अ रिएक्शन फॉर मेटल्स विद एसिड, ठीक है। मेटल को किससे रिएक्ट किया, एसिड के साथ। अब वही चीज अगर हमें यहाँ पे बेस मेटल को बेस के साथ करें, सपोज जिंक को हमने किया NaOH के साथ, वही रिएक्शन है सेम। इस केस में भी यहाँ पे हमने क्या लिया था, जिंक मेटल लिया, गैस हाइड्रोजन गैस थी, यहाँ पे भी इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया एंड यू विल गेट कि पॉप साउंड आएगी सेम, बस यहाँ पे एसिड की जगह वी टुक NaOH और हाइड्रोजन के केस में पॉप साउंड हमारे पास आ रही है और हमारे पास क्या फॉर्म होगा, Na2ZnO2 plus hydrogen. And what is this? This is a salt. This is a salt and this is again a salt. Sodium zincate बोलते हैं इसको. ये sodium zincate and this is zinc sulfate. तो यहाँ पे दोनों में क्या हुआ, चाहे metal के साथ acid ले आओ चाहे base ले आओ, ठीक है, तो ये हमारी reaction थोड़ी सी change हो जाएगी. Acid plus base gives salt and water. ये पहला हो गया with एसिड्स और ये हमने दूसरा रिएक्शन किया विद बेसिस, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल और बेस रिएक्ट विद मेटल, सो दिस विल बी आवर आंसर दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, हाउ विल यू डिटेक्ट द हाइड्रोजन गैस। आप हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट करोगे, वी कैन डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस विद द हेल्प ऑफ बर्निंग मैचस्टिक और अ बर्निंग कैंडल, एंड इफ द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड लाइक अ क्रैकर देन दैट गैस इज कॉल्ड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मतलब ही यही है कि पॉप साउंड आई है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है, फाइन। तो दिस इज आवर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। सेकेंड रिएक्शन वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट। विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट। अभी मेटल कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 2- बायकार्बोनेट HCO3-, ठीक है। तो दोनों हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा और बायकार्बोनेट के साथ, तो ठीक है। तो हमारे पास पहला, सपोज हमने पहला हमने कार्बोनेट ले लिया, मेटल कार्बोनेट एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल, हाँ, और एसिड ले लेते हैं हम HCl सपोज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट विद एसिड, सोडियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहां पे हमारे पास फॉर्म क्या हो रहा है, NaCl H2O एंड CO2। हेयर वी आर गेटिंग NaCl salt, water and carbon dioxide. Same is the case with bicarbonate. Bicarbonate अगर मैंने लिया with acid से treat करवाया, it will again form NaCl, H2O and CO2. तो यहां से हमें क्या general equation मिलेगी कि अगर हम किसी भी metal carbonate को
हम रिएक्ट करवाते हैं विद फाइन, हम अभी सिर्फ इसमें बेसिस के बारे, एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि एसिड्स को जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं कार्बोनेट से या फिर बाइकार्बोनेट से, तो हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जनरल क्या होगा, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बोथ रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली है वहां तो हाइड्रोजन गैस थी, अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमें डिटेक्ट तो करना पड़ेगा ना कि दोनों में से कौन सी ज्यादा कौन सी गैस है, H2 है या CO2। तो CO2 जो गैस है दैट इज द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, दिस इज द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मतलब अगर हम यही, अगर हमारी गैस इस बीकर में रिलीज हुई है, इस गैस को हमने लाइम वाटर वाले बीकर में एड किया, और अगर जैसे ही अगर ये इस कार्बन डाइऑक्साइड होगी देन ये पहले ट्रांसपेरेंट था लाइक वाटर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड से ये व्हाइट लिक्विड मिल्की लिक्विड बन जाएगा। सो इससे पता लगेगा कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कि जैसे ये हमारा लाइम वाटर क्या है, ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारी रिलीज होती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट विद वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है ये यही है जो व्हाइट कलर, पहले ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ट्रांसपेरेंट और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट में ये चेंज हो गया और ये क्या है हमारा मिल्की व्हाइट कलर का होता है। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को डिफरेंस करना है तो कैसे करना है, तो कैसे लिखेंगे कि हाइड्रोजन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय वॉक साउंड, और यहाँ पे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम, बाय टर्निंग लाइम वाटर मिल्की। तो ये हमारा हो गया कि एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल कार्बोनेट के बाय कार्बोनेट को तो किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, यू कैन नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट व्हाट एवर यू वांट। फाइन, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, इसके बाद हमें पढ़ना है एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब सबसे पहले पढ़ा था बेसिस के बारे में जब हमने पढ़ा। चलो जी, यस, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, एसिड्स और बेसिस के बीच का डिफरेंस हमें पढ़ना है, उनके बीच का रिएक्शन हमें पढ़ना है। और ये अभी हमने पढ़ा था कि एसिड को किसी भी एक ऐसे सब्सटेंस से जब ट्रीट करवाया गया था, एसिड को जब किसी सब्सटेंस से उसको हमने नाम दिया है बेस, उससे क्या मिला था, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो एनी रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, अब ये जो सॉल्ट है ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है, वी कैन से, ठीक है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, और वी कैन से अ सिंपल वर्ड दैट दिस सॉल्ट इज न्यूट्रल। सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हमने कोई भी एसिड ले लिया और बेस ले लिया, तो ये हमारा एसिड HCl, बेस NaOH एंड इट विल फॉर्म सॉल्ट NaCl एंड साथ में वॉटर प्रोड्यूस होगा। तो ये एसिड, ये बेस, ये सॉल्ट और ये वाटर, तो ये हमारी हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये तो सिंपल है सबसे, कि कैसे एक जो भी एसिड है वो बेस से रिएक्ट करेगा और यहीं से इसका नाम बेस आया। और एक और चीज, कहीं कहीं जगह पर इस बेस को एल्कली भी बोला जाता है, ठीक है, एल्कलीज भी बोलते हैं व्हेन बेसिस आर डिसॉल्वड इन वाटर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बोल देते हैं ना बेस का, कि बेस में वाटर मिक्स किया हुआ, तो उसको हम एल्कली वर्ड की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। सो बेस और एल्कली मीन्स द सेम, ठीक है। तो ये एसिड और बेसिस का आ गया। आई होप यू ऑल मस्ट हैव डन दिस, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया विच इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड।
रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड्स। कोई भी मेटल की ऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड हमने ले ली विच गिव्स अगेन सॉल्ट एंड वॉटर। ये याद रखेंगे हम रिएक्शन कैसे, एसिड हमारा सपोज HCl है, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड लेनी है हमें, मेटालिक ऑक्साइड लाइक जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं ZnO, ठीक है ZnO ले लिया तो अब सॉल्ट क्या बनेगा, ZnCl प्लस वॉटर। इसको बैलेंस करना है, सबको बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को, तो टू यहां पे टू HCl ये आया, ठीक है हमारे पास दो HCl हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है, ठीक है तो यहाँ पे इसको टू कर दो तो ये हो गए टू जेड एन टू ओ टू एच और सीएल, तो हमारा ये इक्वेशन जो है ये ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा जनरल एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब अगर हम यही चीज ध्यान से देखें कि ये जो एसिड है किसके साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, बेस से करता है ना, तो यहां से एक चीज प्रूव हो गई जो मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो ये चीज यहां से याद रखनी है दैट मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है, ठीक है तो ये बेसिक नेचर हम यहां से इसका स्टडी कर लेंगे। ऐसे ही हमने HCl लिया, यहाँ पे H2SO4 ले लो, H2SO4 में जब हमने जिंक की ऑक्साइड डाली तो ZnSO4 बन जाएगा, साथ में H2O रिलीज होगा। ये हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड। नेक्स्ट इज आर रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ किस तरीके से हमारे बेस रिएक्ट करेंगे, बेस हो गया NaOH, अब उस बेस को हमने नॉन मेटल हमारा कार्बन कार्बन की ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, देन इट विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड साथ में इट विल रिलीज वाटर। तो अब यहां से क्या पता लग रहा है, नेक्स्ट इज कि ये हमारा बेस था, बेस के साथ जब हमने किसको रिएक्ट करवाया होगा, सन सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, मीन्स इट इज एसिडिक, तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि हमारा जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो कैसा है नेचर में, इट इज एसिडिक इन नेचर, और जो हमने पहले मेटालिक ऑक्साइड स्टडी किया था तो वो मेटालिक ऑक्साइड हमारा बेसिक इन नेचर, तो हम एसिडिक और बेसिक दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय दिस मेथड, ठीक है तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेसिस। अब हमारे रिएक्शंस आर ओवर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। एक है कि हम लोग एसिड में वाटर ऐड करते हैं या फिर वाटर को एसिड, हमने डाइल्यूशन तो पढ़ लिया कि डाइल्यूट एसिड यूज कर रहे हैं हमने ना, डाइल्यूट बेस यूज कर रहे हैं, अब वो किस टाइप के डाइल्यूट एसिड हैं, डाइल्यूट के बेसिस हैं, वो कैसे करते हैं डाइल्यूट, तो ये हमारा एसिड है, कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करते बिकॉज इससे क्या होगा, एक्सप्लोजन होगी, इट विल लीड टू एक्सप्लोजन, ब्लास्ट हो सकता है बीकर, बीकर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, इट विल एक्सप्लोड, तो ये दिस इज अ वेरी रॉन्ग मेथड, वी कांट डू दिस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर लेते हैं, वाटर में फिर हम एसिड को ऐड करते हैं, तो एसिड इज ऑलवेज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर एडेड टू एसिड, तो दिस इज द करेक्ट मेथड, यहाँ पे कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होगा, तो इसी वजह से ये मेथड वहां पे यूज किया जाता है टू डाइल्यूट दीज एसिड्स। और एक और चीज, जब हम डाइल्यूट करते हैं, When anything is diluted, suppose पहले इसमें H positive ions present है, ये 4 H positive ions present है, ये simple acid है, जब मैं इसको dilute करूंगी तो पानी डाला water डाला तो ये increase हो जाएगा, so what happens on adding water on dilution, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चाहे H positive ions हो, चाहे H3O hydronium ions, चाहे hydroxide ions, इन्हों में से कोई भी आयन हो, वो आयन्स जो है वो सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ गई है हमारी, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, तो ऑन डाइल्यूशन आयंस रिमेन द सेम, ओनली द वॉल्यूम इज इंक्रीज, सो दिस इज द केस फॉर डाइल्यूशन, की डाइल्यूशन से
क्या क्या होता है, कंसेंट्रेशन जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स, नाउ इट्स आर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पीएच, के बारे में हमें पढ़ना है। तो पीएच के अंदर हमें क्या, पीएच क्या होता है सबसे पहले, व्हाट इज पीएच? पीएच इज पी वेयर पी रेफर्स टू द पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की पावर मतलब अगर हमें पता करना है कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, वो कैसे पता लगेगा? थ्रू पीएच वैल्यू। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर एन एसिड इज स्ट्रांग या वीक। अब ये स्ट्रांग और वीक कैसे पता लगेगा? सो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। तो स्ट्रांग एसिड, कोई भी एसिड स्ट्रांग कब होगा? जब वो कंप्लीटली टूट जाए, जैसे एचसीएल। एचसीएल कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, इसीलिए ये स्ट्रांग एसिड है, कंप्लीटली ब्रेक हो गया, एच अलग सीएल अलग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वीक एसिड। वीक एसिड क्या होगा? CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये इस तरीके से ब्रेक होता है। ठीक है, ये ब्रेक हुआ। अब ब्रेक हुआ तो क्या हुआ यहाँ पे? ओ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा एक आयन है ये, लेकिन ये टूटा नहीं है, सी अलग एच अलग, ये नहीं पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ। इट डज नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली, डज नॉट ब्रेक कम्प्लीटली, तब हम इस एसिड को क्या बोलते हैं? वीक एसिड। तो इसी तरह से हमारे पास वीक बेस हो जाएगा, स्ट्रांग बेस हो जाएगा, सो ऑल दीज थिंग्स। अब हमें किसी भी एसिड को कि वो स्ट्रांग है या फिर नहीं है वो कैसे पता लगेगा? थ्रू अ पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है जो 0 से 14 होता है, और यहाँ पे हमारे न्यूट्रल विथिन 7 है, न्यूट्रल है ये। ठीक है, दिस इज न्यूट्रल। तो जब हम यहां से यहां जाते हैं हमारा बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है, इधर से इधर जाते हुए एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, और यहां पे होगा हमारा स्ट्रांग एसिड, और यहां पे क्या होगा? स्ट्रांग बेस। ठीक है, तो 0 से 7, 0 से 7 एसिडिक के लिए और 7 से 14 बेसिक के लिए। जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, और जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक। जैसे 7 और 5 में से, और वी कैन से 2 और 5 में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? 2 वाला पीएच। ऐसे ही अगर हम बोले 12 और 14 में से ज्यादा बेसिक कौन सा है? ये वाला। तो जितना ज्यादा होगा वो बेसिक है, स्ट्रांग बेस है, और ये वीक, और ये स्ट्रांग एसिड है। और यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इधर जाते हुए एच पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं और इधर जाते हुए OH नेगेटिव आयंस कम हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएच, कि पीएच जो है हमारा किस तरीके से डिपेंड करता है, और पीएच से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे अब एसिड है। तो जैसे आपको गिवन होगा कि इतना पीएच है, तो आपको पता लग जाएगा कि इस साइड है तो स्ट्रांग है, इस साइड होगा तो वीक होगा। ऐसे इधर आएगा तो स्ट्रांग बेस आएगा, और इधर आएगा तो वीक बेस आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज पीएच स्केल। अब जो ये हमारा पीएच है, दिस पीएच, इस पीएच की हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, दीज आर ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ पीएच जो हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी, सबसे पहला हमारे बॉडी का पीएच 7.0 से 7.8 तक रहता है, दिस इज जनरल, हमारी बॉडी इसी में वर्क करती है, विच इज गुड फॉर आवर बॉडी। फिर सेकेंड आता है एसिड रेन। एसिड रेन कब होती है? जब पीएच 5.6 से लेस होगा तब एसिड रेन होगी। अब एसिड रेन कैसे होती है? हमारी गैस में जो सल्फर, एयर में सल्फर नाइट्रोजन गैस है, वो ऑक्सीजन से मिलके सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है, और जब रेन आती है, रेन वाटर से रिएक्ट करके दे प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, देन इट कम्स अलोंग विद रेन। तो ये रेन के साथ नीचे आ जाता है, तो इस एसिड से क्या हो रहा है? एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उनको प्रॉब्लम होती है इन ब्रीदिंग, क्योंकि वो वाटर से ही ऑक्सीजन लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिड रेन। फिर थर्ड है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ है वो 5.5 पीएच से 7.0 अप्रोक्सीमेटली इतने पीएच चाहिए होता है उसके लिए। कुछ प्लांट्स है जिनको कम भी चाहिए और कुछ प्लांट्स है जिनको ज्यादा चाहिए पीएच, तो वो डिपेंड करेगा, मीन्स ग्रोथ के लिए भी पीएच मैटर करता है। फिर फोर्थ आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में एचसीएल रिलीज होता है,
एचसीएल रिलीज हो रहा है हमारे स्टमक में, तो जितना ज्यादा एसिड रिलीज होगा पीएच उतना कम हो जाएगा, और पीएच कम होने की वजह से हमारी बॉडी में एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। जितना ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, तो एसिडिटी को हम रोकने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं वो दे आर लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और इसको एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटासिड, विच इज यूज टू ब्रेक दिस, टू न्यूट्रलाइज द एसिड। फिर नेक्स्ट आता है टूथ डीके। टूथ डीके कब होता है? हमारा टूथ खराब होता है, जो दैट इज कॉज्ड व्हेन हमारे माउथ का जो पीएच है ना वो कम हो जाए, एसिडिक हो जाए। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब लोअर होता है पीएच, तो बैक्टीरिया एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो बैक्टीरिया जब एक्ट करता है, कब एक्ट करता है? हमारी माउथ में जब शुगर है, जो फूड रह जाता है आफ्टर ईटिंग, तो दैट फूड एंड शुगर्स रिएक्ट टूगेदर विद बैक्टीरिया एंड फॉर्म्स द टूथ डीके। और उसको रोकने के लिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, और टूथपेस्ट क्या है? बेसिक है। तो ये एसिड को बेसिक में न्यूट्रलाइज कर दिया, पीएच का रोल है। नेक्स्ट आता है हमारा बी स्टिंग। जो बी जो हमें काट जाती है बैक बी, इट कॉजेज इरिटेशन इन आर स्किन। तो क्यों होता है? क्योंकि उस पीएच लो है, उसमें मीथेनोइक एसिड होता है। तो ये जो जनरल चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, और ये मीथेनोइक एसिड जो है एसिड है, तो इसको हमें पीएच को हाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोप अगर यूज करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर दैट, और उसके एक्शन को कम कर सकता है। तो दिस इज अबाउट पीएच और पीएच का इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में। दैट्स ऑल। सो दिस इज डन विद आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट का। जो सेकंड का हमने टॉपिक आज पढ़ा, एसिड्स एंड बेसिस के बारे में स्टडी किया, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, एसिड्स एंड बेसिस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं आपस में मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ये डिफरेंट चीजें हमने स्टडी की। उसके बाद हमने डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा है कि डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, पीएच क्या होता है, पीएच का हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अबाउट सॉल्ट्स वी विल डू इन आर नेक्स्ट वीडियो। सो हैव अ गुड डे एंड स्टे हेल्दी।